जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के सबली कट के पास से 8 फरवरी की रात चोरी हुए IGL कंपनी के 120 लोहे के पाइप के मामले का हापुड़ कोतवाली पुलिस ने सफल अनावरण कर दिया है। पुलिस ने 8 दिन पहले हुई चोरी का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 100% माल, चोरी का माल बेचकर प्राप्त हुए 2.5 लाख रुपये कीमत की नकदी, घटना में इस्तेमाल 2 ट्रैक्टर में ट्रॉली, एक कार, एक अवैध असला बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि चोरी किए गए 120 लोहे के पाइपों को आरोपियों ने उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित कॉस्मोस फेरस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ले जाकर गलाया था। ये कंपनी आसिफ हुसैन की है, जिसे पुलिस ने दबोच लिया है। हापुड़ के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि 70 लाख के पाइप आरोपियों ने सबलीकट के पास से चोरी कर लिए थे। देखिए, 8 और 9 की रात्रि में NH9 जो जनपद हापुड़ में है, वहाँ सबली कट के पास से IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के लगभग 120 लोहे के पाइप थे, जो ये गैस लाइन डालने में ये लोग इसको प्रयोग में ला रहे थे, और इनकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए के आसपास थी। वहाँ पे रात में एक हाइड्रा आती है और इन सभी पाइपों को वहाँ से उठा करके चोरी कर लिया जाता है। IGL कंपनी ने जब ये कंप्लेन थाना कोतवाली पुलिस में लॉन्च करी, उसके बाद हमारे थाना कोतवाली पुलिस ने पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के उपरांत इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और जो ये सभी इनके 120 पाइप थे जो इनगॉट के फॉर्म में अब इसको गला करके कर दिया गया, सभी पाइपों को बरामद कर लिया गया है 100% पुलिस द्वारा, और इसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपये है। गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम प्रदीप, जहांगीर, इसरार, फारूक, राधेश्याम, आसिफ, विपिन, ये इनका नाम है। इसमें मुख्यतः एक प्रदीप है, जो ये धौलड़ी थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। जब इनकी गाड़ी वगैरह चेक भी की गई और सारी चीज़ें पूछताछ में आई, तो इन्होंने ये भी बताया कि ये भारतीय किसान यूनियन के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जनपद मुजफ्फरनगर में रह चुके हैं, बगड़ा के, और ये 2 बार के प्रधान भी रह चुके हैं धौलड़ी के। इनके साथ में कुछ और अभियुक्तों ने मिल करके पूरा प्लान बनाया, और ये रेकी करते हैं जगह जगह जा करके, जहाँ पे भी इस तरीके के ये पाइप सड़क किनारे पड़े होते हैं, जहाँ कोई सुरक्षाकर्मी नहीं होता है, वह इसको वहाँ से उठवा करके गायब कर देते हैं। इसमें मुख्यतः जो कॉस्मोस नाम की एक कंपनी है, इनके जो मालिक हैं आसिफ हुसैन, इनको भी अरेस्ट किया गया है। इनके और इनके सुपरवाइज़र विपिन, इनकी फैक्ट्री जनपद हरिद्वार में स्थित है, भगवानपुर इलाके में, और वहां पर ले जा करके सभी पाइपों को गलाया गया था। मामले में जब हापुड़ कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू की, तो 7 आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने प्रदीप पुत्र राजेंद्र निवासी धोलड़ी थाना तीतावी जनपद मुजफ्फरनगर, जहांगीर पुत्र जमील निवासी खेलपुर नसरुल्लापुर थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखंड, इसरार पुत्र इस्लाम निवासी खेलपुर नसरुल्लापुर थाना भगवानपुर हरिद्वार, फारूक अली पुत्र मेहरबान निवासी गांव पावटी कला थाना कैराना जनपद शामली, राधेश्याम पुत्र मनोहर सिंह निवासी भोरा कला थाना भोरा कला मुजफ्फरनगर, आसिफ हुसैन पुत्र इकबाल हैदर निवासी मोहल्ला जुमा चांदसठ मुजफ्फरनगर, और विपिन उर्फ भुवन पुत्र रामदत्त निवासी गांव तल्ला कांडा थाना मुक्तेश्वर जिला नैनीताल उत्तराखंड को गिरफ्तार किया है। हापुड़ कोतवाली पुलिस ने आसिफ और विपिन को उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2,05,000 की नकदी, 63 टन लोहे की एंगल, एक गाड़ी मारुति, 2 ट्रैक्टर, 2 ट्रॉली, एक अवैध तमंचा में एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।